हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली में राजकीय बांगड़ महाविद्यालय 10 सितंबर को आयोजित होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज प्रशासन में मंगलवार को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी। वहीं मतदाता सूचियों को लेकर आपत्ति भी प्राप्त की है। खास बात यह है कि मंगलवार को जारी हुई सूची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के रूप में दावेदारी जता रहे मुकेश चौधरी का नाम नहीं होने से विद्यार्थी परिषद को नए सिरे से उम्मीदवार तय करने के लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर NSUI छात्र नेताओं ने कॉलेज प्रशासन पर दबाव बनाकर निश्चित समय में सूची जारी करवाने की बात कही थी। उसके आधार पर सूची जारी कर दी गई है। यहां मतदान में भाग लेने वाले 3000 से अधिक छात्र छात्राएं बुधवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर कॉलेज प्रशासन बिना आई कार्ड के कॉलेज प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया था, उसका असर भी अब परिसर में दिखाई देने लगा है। तो आज के जो अंतिम सूची प्रकाशित हुई है आपत्तियों को निस्तारण करने के बाद, आपत्तियां दो आई हैं जिसमें एक का सरनेम बदल गया और एक का है फादर्स नेम बदल दिया गया, बस वही दो आपत्तियां आई हैं। टोटल छात्र जो हैं वो 3640 हैं और इस लिस्ट को 1 बजे तक इन्वाइट किए, उसके बाद में इसके प्रकाशन कर दिया गया। इन लिस्ट में नामांकन MA इकोनॉमिक्स का जो चल रहा था उनके बच्चों का नाम जुड़े गए क्या, जो 8 एडमिशन हुए थे, जो अब तक के एडमिशन हुए हैं उनके नाम जोड़े गए हैं जी। और नामांकन जो है वो कल सुबह होगा 10 बजे से लेके 3 बजे तक, और समय समय पर जो आयुक्तालय से निर्देश आए वो छात्रों को, छात्र छात्राओं को सूचित कर दिया गया है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।